सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ये दो तस्वीरें शेयर की और दावा किया कि मिर्जापुर के विद्यांचल मंदिर में पूजा करने वाले अमित पांडे को मुसलमानों ने जान से मारने की कोशिश की। ये तस्वीरें फेसबुक और ट्विटर पर इसी दावे के साथ वायरल है। इन तस्वीरों के साथ शेयर किए जा रहे दावे की असलियत क्या है, आइए जानते हैं। असल में ये मामला एक साल से भी ज्यादा पुराना है, इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। मिर्जापुर पुलिस ने वायरल दावे का सच बताते हुए ट्विटर पर बताया था कि इस मामले में उचित कार्रवाई की गई थी। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इन तस्वीरों को जुलाई 2020 में भी ऐसे ही दावों के साथ शेयर किया गया था। उस वक्त भी मिर्जापुर पुलिस ने बताया था कि मामला विद्यांचल मंदिर के पंडा समाज के दो पक्षों के बीच हुए विवाद का था। ऑल्ट न्यूज ने मिर्जापुर पुलिस से भी बात की, उन्होंने बताया कि हाल में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। ये तस्वीरें एक साल पहले मंदिर के पुरोहितों के बीच हुए आपसी झगड़े की है। आज तक ने अमित पांडे के भाई सुमित पांडे से बात की, उन्होंने बताया कि ये घटना 28 जून 2020 की है। उस दिन रात में उनके भाई अमित पूजा करने के लिए जा रहे थे, वहीं अचानक मंदिर के ही कुछ पुरोहितों ने उन पर हमला कर दिया। सुमित पांडे ने हमलावरों के मुसलमान होने की बात अफवाह बताई। यानी एक साल पहले विद्यांचल मंदिर के आपसी झगड़े में घायल हुए अमित पांडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर की गई।